कि जे मान लो एक बच्चा है वो भी शरीरिक तौर पर सारा दिन बैठा रहता है उहदे च भी वह अलामत आनी शुरू हो जाएगी जो बुढ़े सो बुढ़ापा कल्ली सालां दी गल नहीं हुंदा बुढ़ापा तुहाडे रहण सहण दे तरीकियां दी गल भी हुंदा जिहड़ा बुढ़ा बंदा जिहदा रहण सहण जवाना वर्गा है तो जरूरी नहीं भी आम बुढ़े जिन्ने असर होगा होगा लेकिन उहदे नाल आम बुढ़े नालों बहुत लेट हवा पानी नूं छड्ड के तां वी तुसीं 100 साल क्रॉस करने चाहीदे हो जिहने कि तुहाडा शरीर तुहाडे पट्ठे तुहाडे हड्डियां तुहाडे जोड़ जिहड़े मैं गुण दस्से इह उह 100 साल तक कायम रहने चाहीदे आ पर इह 100 साल तक कायम नहीं रहिंदे क्योंकि साडा रहण सहण जिहड़ा ते खाण पीण जिहड़ा वो ठीक नहीं है जो डंगरां तों आए हुए खाने ने चाहे वह अंडा है चाहे मीट है चाहे वह मच्छी है चाहे वह दुध है तो ये खाने जिहड़े ने बहुत वधिया खाने नहीं है जिहड़े पौद्यां ते आधारित खाने ने वह मनुखी शरीर लई बहुत ही उत्तम ने और जो प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ने लैंदी है जो जो सनअतां ने अपने प्रॉफिट की खातर उस खाने का सत्यानाश किया वो सारा कुछ जो साढ़े सामने जिम कहते साढ़े कारनामे साढ़े सामने मतलब जिम का हम जो जी जिम की डाइट है एड्डी माड़ी डाइट है वो एड्डी कैमिकल लेडन है स्टीरॉयड लेडन है और अंदर प्रोटीन इन्ने ज्यादा ने एड्डी माड़ी डाइट है कि यंग बच्चे जोड़े ने बीमार हो रहे हैं बहुत जिम जाने वाले बच्चों यंग बच्चों हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो यह कितना कितने जो बरतारा है सारा प्रोसैसिंग ने खराब किया शरीर है कुदरत का एक अजूबा है जिसके अंदर अपने आप को ठीक करने की अथाह समर्था है तो गोडे की ग्रीस मुकने का बेसती है ना सल्ट है नेचर की वो कोई ग्रीस किवें मुक सकती है जो जी कुदरत ने ग्रीस बनाई है वो लगातार बनाती रहती है। सत श्री अकाल सारे नूं मैं गुरप्रीत सिंह बल निरपक्ष पोस्ट चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करदा उम्मीद करदे आं तुसीं ठीक ठाक होंगे दोस्तों दोस्तों हैल्थ शो के नाल एक बार फिर तो तुहाडी कचहरी दे विच आण हाज़र होए हाँ जिवें कि पिछले हफ्ते असीं गलबात कीती सी शूगर दे उत्ते शूगर की बीमारी दे उत्ते ते अज दी असीं जिहड़ी गलबात करांगे ओह होऊगी नी पेन गोडे दुखदे ने जिन्हां दे मोढे दुखदे ने पुराने समय के जिहड़े साडे बजुर्ग हुंदे सी कहिंदे खाधियां खुराकां कम आउंदियां वी डंड जे मैं पुराने बजुर्गों तो अज भी लवा लवां ना तो बाखूबी जिहड़े डंड ला लैणगे पर जे मेरी उम्र दे जिहड़े नौजवान ने या मेरी मेरे तो छोटे भी जिहड़े नौजवान ने जे उहनां नूं मैं डंड लाउण नूं कह देवां तां किते ना किते गोडे या मोढे फड़ के बहि जाणगे वी मेरे तां हाए गोडे हाए मेरे मोढे किते ना किते अज कल दी जनरेशन दे विच इह बहुत वड्डा देखी जा रही है कि चीज़ कि जिहड़े ने गोडे जिहड़े ने उह बहुत जल्दी ज़रूरत तो भी पहला जिहड़े ने उह साथ छड्ड दिंदे ने की कारण हुंदे ने ते कि चीज़ां खा के कि चीज़ां दा गुरेज करके आपां इन्हां चीज़ां नूं ठीक कर सकते हैं ताकि जिहड़े मोढे अपने गोढे ने ये चंगी तरह चलते फिरते रहन अज दे शो दे विच हमेशा की तरह साडा साथ देणगे डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी सब तो पहला डॉक्टर साहब का स्वागत कर लैंदे आ डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल ठीक ठाक हो जी बहुत बढ़िया जी फर्स्ट क्लास अच्छा डॉक्टर साहब शुरुआत करदे अज दे शो की जिवें मैं गल कही कि मेरी उम्र के भी जिहड़े कोई नौजवान ने या मेरे तो भी कई छोटे ने जिहड़े जिम लाउंदे ने या कई स्पोर्ट्स खेडदे ने उन्होंने तो जो हट के गल करिए तो कई नौजवान यह जिन्हें जो छोटी उम्र के गोडिया का जो उन्हों का काम होने वाला हो जाता है या मोढ़े दुख लग जाते हैं कुछ इदा की प्रॉब्लम आती है भी जॉइंट पेनिंग जी है नी पेन जॉइंट पेन जो है बहुत आम हो गया यह भी काफ़ी कारण बन जाता भी लोगों जो कहते गोडे चेंज भी कराने पै जाते हैं ये कारण होंगे भी जिदे करके भी जो गोडे पेन होने शुरू होंगे ने भी मोढ़ली सब तो पहला बेसिक चीज़ कि भी जितों ये पेन स्टार्ट होंगी है जरा हड्डिया जोड़ पट्ठे ये तीन सिस्टम है साडा अंग्रेजी से कहते मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिनि कि शरीर का ढांचा है जी जिदे सारे बाकी परमात्मा ने अंग जिहड़े कुदरत ने अंग पैक किए हुए हैं तो यह जिहड़ा मुढ़ला ढांचा है साढ़े हड्डियों का जोड़ों का पट्ठिया का ये साड़िया लत्तां तुरन फिरन लई ने बाहवां काम करन लई ने अगे बाकी फिर उन्हूं पिठ नाल ते उहदे कनैक्ट करदे ने ते गर्दन नाल साड़ी जी सारा सिस्टम जिहड़ा एक इकाई दे तौर ते काम करदा है पूरे परफेक्ट जी और परफेक्ट इकाई से काम करने लई इहदे च गुण चाहिए कुछ जिदा हड्डियां मजबूत होनी चाहिए ने जोड़ जिहड़े लचकदार होने चाहिए हैं लचक होनी चाहिए उन्हें जो लचक खराब हो जाएगी तो जोड़ खराब होणगे पट्ठिया के अंदर ताकत चाहिए है तो स्टैमिना चाहिए कि ताकत का मतलब तुम कि भार चक सकते हो स्टैमिना का मतलब तुम वो भार चक के कि चिर तुर सकते हो कि उही भार चक के कि चिर कि लंबा तुर सकते हो यानी कि ये जो चार गुण ने पट्ठिया के जोड़ों के जोड़े हड्डिया के ये चारे गुण जोड़े ने एक कुदरत ने सू बहुत मजबूती नाल ते वधिया दिते हैं जिहड़े कि जरूरी ने साडे इस सिस्टम के काम काम करन लई हुण इहदे च एक तां चलो तुसीं जिहड़ा कहा उम्र का थोड़ा हुंदा ही है भी उम्र के नाल थोड़ा थोड़ा जिहड़ा ये गुण जिहड़े ने वो घटने शुरू घट जांदे हैं वो फैक्टर हैगा एक लेकिन वो कोई अपने आप च बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है लेकिन जे मान लो एक बच्चा है
वह भी शरीरक तौर पर सारा दिन बैठा रहिंदा भी वह अलामत आनी शुरू हो जाएगी जो बुढ़े वाली ने। एक जवान है जिहड़ा जे वह भी कोई शरीरक काम नहीं करता कोई गेम नहीं लाता उछल कूद नहीं करता तो वह भी बुढ़ापे वाले जिहड़ियां अलामत आनी शुरू हो जाएगियां। सो बुढ़ापा कल्ली सालां दी गल नहीं हुंदा बुढ़ापा तुहाडे रहन सहन दे तरीकियां दी गल भी हुंदा। जिहड़ा बुढ़ा बंदा जिहदा रहन सहन जवाना वर्गा है तो जरूरी नहीं भी तो आम बुढ़े जिन्ने असर होगा होगा लेकिन वो आम बुढ़िया नालों बहुत लेट होगा। मान लो कुदरत ने शरीर की रचना की है 125 साल ली तो 125 साल फिर वो जोड़ते हड्डियां ते पट्ठे साथ देंगे जां 100 साल देंगे जां 100 साल तो वध घटो घट चलो पसवाया ना लाइए कुदरत जिहड़े विज्ञानियों ने तो कहता भी 125 साल तक तुहाडा शरीर कायम रहना चाहिए तो चलो तुम 10-15 साल ला लो भी हवा पानी मिट्टी जड़े ने बहुते वधिया नहीं है चलो वो करके थोड़ी उम्र घट रही है तो जे तुहाडा रहन सहन ठीक है बाकी का हवा पानी नूं छड्ड के तां वी तुसीं 100 साल क्रॉस करने चाहिए हो यानी कि तुहाडा शरीर तुहाडे पट्ठे तुहाडे हड्डियां तुहाडे जोड़ जिहड़े मैं गुण दसे इह वो 100 साल तक कायम रहने चाहिए हैं पर 100 साल तक कायम नहीं रहिंदे क्योंकि साडा रहन सहन जिहड़ा ते खाण पीण जिहड़ा वो ठीक नहीं है तो वो जिहड़े मान लो एक बंदे की असल उम्र जिहड़ी 20 साल है तो जरूरी नहीं वो हड्डियां पै जोड़ा की उम्र भी 20 साल होगी हो सकता वो उम्र 40 साल तो आ जाए तो ये वर्तारा अक्सर होंदा रहिंदा। अच्छा खाण पीण की तुसीं गल कीती भी खाण पीण नाल बहुत फर्क पैंदा आ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ तो लेकिन वो जो असूल ने प्रिंसीपल ने वो ये ने कि कुदरती किस्म का खाना हो यानी कि प्रोसैसड फूड ना हो जो असी कुदरती खाने बहुत ज़्यादा प्रोसैस कर दें फैक्ट्री चल जाके कुकिंग का तरीका यहोजा वरतते हैं कि वो जो खुराकी तत् ने नष्ट हो जाते हैं ज बहुत खराब हो जाते हैं तो कुदरती गल वो खाना फिर वो अंदर वो गुण नहीं रेंगे। तो जो मनुखी शरीर है वह पौद्या के भोजन ज़्यादा वधिया एक्सैप्ट करता है जो जानवरों का खाना है वह मनुखी शरीर में बहुत सूट नहीं करता। असं ठीक है समय के हिसाब न अपने सभ्याचार के हिसाब न कुछ जानवर वाले खाने खाण जरूर लग गए लेकिन मनुखी शरीर में बहुत वधिया सूट नहीं करते हो ये गल हुण सिद्ध हो चुकी है कि जिहड़े डंगरां तो आए हुए खाने ने चाहे वह अंडा है चाहे मीट है चाहे वह मच्छी है चाहे वह दुध है तो ये खाने जिहड़े ने बहुत वधिया खाने नहीं है जिहड़े पौद्यां ते आधारित खाने ने वो मनुखी शरीर लिए बहुत ही उत्तम ने। तो ये मोटे मोटे जिहड़े असूल ने कि पौद्यां ते आधारित भोजन होवे मुख तौर पर एनीमल फूड थोड़ा होवे जां ना होवे कुदरती होवे जिद्दां कुदरत चाहुंदा तो जो साडे अज जो असीं प्रोसैसिंग कीती है शुरू ये तो सारी पिछले 50-60-70 साल का फनोमेना है। असीं पहलां कुदरती खांदे सी सारा साढ़े बजुर्ग जिहड़े सीगे साढ़े पिंडां दे अंदर जिहड़ा वरतारा सीगा कुदरती खाण दा सीगा कि खेत गए हो तुसीं गन्ने चूप रहे हो शलगम पट के खा रहे हो मूलियाँ खा रहे हो गाजर खा रहे हो बे उत्थे बेरियां ने दरख्तों के पेड़ ने बड़े ने बेर लगे हुए उत्थे तूत ने और किन्ने किस्म दी चीज़ां होंदियां जिहड़ियां कि जिहड़ियां असीं सिद्धियां जिहड़ियां सीगियां खा लैंदे सीगे सानूं कोई कोई उहदी पकाउण दी लोड़ नहीं सी पैंदी जे पकाउंदे भी सी तो हारा आउंदा सीगा साडे कोले हारे दे विच स्लो स्लो अग्ग दे उप्पर जिहड़ा सारा कोई पकदा सीगा ते बहुत वधिया उह उहदे स्वाद भी बहुत वधिया रहिंदा सीगा फिर उहदे तुहाडा जिहड़ा खेती दे अंदर जो असीं लिआंदे जो कीता सारा पिछले 70 साल 60-70 साल च कि जिन्ने असीं कैमिकल लिआंदे आ खतरनाक किस्म दे उह अपने उहनां ने आप निश्चित जिहड़ा नष्ट कीता सारा कुछ वो जो पहला कुदरती हुंदा सीगा उहदे अंदर कोई कैमिकल नहीं सी हुंदा ना कोई हवा च कैमिकल सीगा ना पानी च कोई अशुद्धता सीगी ते ना खाने च सीगी अज सारे दा सारा किते ना किते जिहड़ा जो ये दूषित होया हवा पानी मिट्टी और जो प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ने लैंदी है जो जो सनता ने अपने प्रॉफिट की खातर उस खाने का सत्यानाश किया वो सारा कुछ जो साडे सामने जिन्हों कहते साडे कारनामे साडे सामने आ रहे हैं जो असीं कीता है जां असीं जां पाप कीते आप जां पाप नूं बढ़ावा दिता उस उहदे तों असीं असीं कोई उहदा उहनूं रोकण दी कोशिश नहीं कीती तो जो साडे कीती होई चीज़ां ने साडे सामने आ रही ने कि मतलब 40-45 साल दी उम्र च बंदे दे गोडे रह जांदे आ जां बाकी जोड़ रह जांदे आ जां पिट कोई पिट फड़ी फिर रिहा कोई गर्दन फड़ी फिर रिहा कोई गोडे फड़ी फिर रिहा कुछ ना कुछ बंदे दा दुखदा तो जिहड़े जोड़ हड्डियां ते पट्ठे जिहड़े सी 100 साल तक चलने चाहीदे सी 100 साल तों वध चलने चाहीदे सीगे वो 40-45 साल ते ही जवाब देण लग जांदे जां उस तों वी पहलां जवाब देण लग जांदे आ
तो वो तुसीं जिम की गल की जिदा मतलब जिम का हुण जिहड़ा जिहड़ी जिम की डाइट है एड्डी माड़ी डाइट है वो एड्डी कैमिकल लेडन है स्टीरॉयड लेडन है और उहदे अंदर प्रोटीन इन्ने ज़्यादा ने कि वो एड्डी माड़ी डाइट है कि यंग बच्चे जिहड़े ने वो बीमार हो रहे हैं मतलब तरस आउंदा उहनां उहनां वो बच्चे जांदे तां इह सोच के ने कि मैं अपना शरीर बनाउणा ते अपना कोई ना कोई कंपीटीशन लड़ना हाँ जी हाँ जी ते वो उल्टा बीमार हो जाते जाके उत्थे जिन्हें जिम के अंदर बच्चे इस स्पिरिट जाते हैं कि मैं कंपीटीशन पार्टीसपेट करना तो डाइट खाने लग जाते बिना बेचारे कोई वो डॉक्टर कंसल्ट किए कंपनियां ने डॉक्टर भी चल नाल ही कंपनियां के नाल रल जाते हैं कई बार तो कंपनियां जिहड़ियां ने वो ए प्रोडक्ट लैके आ रही ने जो बहुत ने मैं देखा बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दी छातियां वध जांदियां ने दुध आउण लग जांदा उहदे चों गुर्दे खराब होने लग जाते हैं ईवन हार्ट अटैक्स बहुत जिम जाने वाले बच्चों यंग बच्चों हार्ट अटैक्स हो रहे हैं तो यह कितना कितने जो वर्तारा है सारा ये प्रोसैसिंग ने खराब किया आप डॉक्टर साहब टीवी से देखते होंगे भी टीवी से बहुत सोहनिया एडा आदि ने एडवरटाइजमेंट होंगी है जब कोई नाटक चलता हूँ बच्चे तो सोहने सोहने खेत दिखाए जाते हैं सरों दिखाई जाती है तो सरों से निकला हुआ रिफाइंड ऑयल दिखाया जाता है कहिंदे सरों का तेल है भी जो बहुत शुद्ध तेल मनिया जाता भी वो फोटो ऐ दिखा देने वीडियो के अपन लगता भी बस यही सारी दुनिया है भी आप यही तेल लैके आना करे तो यही हुण तो वरतना वो भी ठीक हुंदा वरतन वाला कि नहीं देखो मैं जे जे प्रोसैसिंग बारे कहाँ तो प्रोसैसिंग जी जो इंडस्ट्री प्रोसैसिंग कर रही है तुम 99% कह सकते हो कि वह प्रो सत्यानाश मार रही है भोजन का तो जिनी एडवरटाइजमेंट आ रही है टीवी उपर शुद्ध शुद्ध तो शुद्ध झूठ है वो तो चाहे तुम रिफाइंड ऑयल का ले लो ज रेडीमेड फूड्स का ले लो डिब्बा बंद फूड्स का ले लो बोतलों का ले लो सारे के सारे कितने ना कि भोजन के नाते धोखा ने वो देखने भोजन ने भोजन नालों चार गुणा ज़्यादा महंगे हैं लेकिन असल च धोखा है तो थोड़ा तंदुरुस्त करने की बजाय उल्टा बीमार करते हैं अच्छा आटे आटे का भी हों आटा कहें भी जो आटे आप गुरुद्वारा साहब जो रोटी खाने कहते जी भूरी हो जाती है रोटी ब्राउन हो जाती जी असल जो आटा होंगे पर जो अच्छ मैं घर देखा आटा तो चिट्टी रोटी होंगी है बिल्कुल गलत हो गया ना सारा जो सारा छाण बूरा कढ़ देंगे फाइबर कॉन्टेंट अभी रिसर्च ने प्रूव करता कि फाइबर कॉन्टेंट ग्रेन वो खाने चाहिए अनाज वो खाने चाहिए जिदा कि फाइबर कॉन्टेंट यानी कि रेशा बहुत हाई हो साडा हालत यह होगी पहली गल तो साड़ी जी ठिकनी जी कणक आई है ये अंदर रेशा वैसे ही है नहीं गा एक 1.2% है सिर्फ पुरानी कणक शायद ज़्यादा सगा क्योंकि मैंने तो याद है ना कि जो बचपन से अं रोटी खाते होंगे तो साड़ी माँ आटा गुंधी सी कभी भी ए नहीं भी ऐ आटा खिंचया रबड़ वागू खिंचया जाए अच्छा इदा इदा कभी देखा नहीं असं बड़े आराम ना पेड़े बना होंगी सी तो हूँ तो जो पेड़ा बना लगो तो थोड़ा धक्के आटे तोड़ना पैंदा ठिगनी जी कणक आई है बहुत वड्डा धोखा हो गया जिहड़ा ग्लूटन कॉन्टेंट है फाइबर कॉन्टेंट लेस बहुत ज्यादा एक फाइबर कॉन्टेंट घट है वो लेस भी बहुत खराब कर दी है क्योंकि कणक के अंदर जी लेस है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लेसली चीज कोई भी अंतरिया जाएगी तो चिपकेगी जी चीज अंतरिया चिपकेगी अंतरिया जगह खराब करेगी क्योंकि कटाणु बैठे साडे दोस्त बैठे हैं अंतरिया के नाल 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 उन्होंने घर ने जो साडे सूक्ष्म जीव ने घर बने हुए हैं जिवें जिवें पंछियों के आलणे नहीं बने होंगे उन्होंने निके 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 पूरी लेयर की लेयर उहदी हुंदी है बनी हुई सूक्ष्म जीवां दी जदों जाके उहदे नाल जम जाणगे तो सूक्ष्म जीव चारे विच उहनां दा सही घुट जांदा तो सूक्ष्म जीव जिहड़े खराब हो जाणगे दूजी गल अंतरिया के अंदर फिर उह जिहड़ा लैण देण होणा खून नाल खाने का वो खराब हो जाता है तो लेस बहुत खराब करती है कणक की और दूजी गल फाइबर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा घट है तो सानू अनाज वो खाने चाहिए जेडे कि जो फाइबर कॉन्टेंट ज़्यादा वो साडे मिलट्स ने अच्छा डॉक्टर साहब जिवें अक्सर जिवें हुण जिवें नी पेन की गल की गोडे दुखण की गल की मोढ़े दुखण की गल की तो कह देंदे ने भी तेरे गोड्यां दा ग्रीस मुक गया आप अक्सर पिंडां दे विच कहा देखी है भी सुनन च आउंदा भी उहदे तां गोड्यां दा भाई ग्रीस मुक गया ਇਹ ਗਰੀਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਟਸ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਬਿਲਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 10% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੇ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ
मेरे 10% सैल ही सिर्फ पुराने ने, 90% सैल हर 6 महीने बाद बदल जाते हैं। तो इस करके जिहड़ा कुदरत दे अंदर ये जिहड़ी कुदरत दी क्रिएशन है, एक जिहनूं कहिंदे आ अजूबा है, जिहड़ा शरीर है कुदरत दा एक अजूबा है जिहदे अंदर अपने आप नूं ठीक करन दी अथाह समर्था है। तो गोड्यां दी ग्रीस मुक्कण दा बेसती है ना, इंसल्ट है नेचर दी, कोई ग्रीस किवें मुक्क सकदी है, जो जिहड़ी कुदरत ने ग्रीस बणाई है उह लगातार बणाउंदी रहिंदी है, क्यों मुक्कण दा मतलब ही नहीं है। जे मुक्क गई है तां इहदे किते ना किते असीं गलती करदे आ, जे साडे जोड़ खराब हो रहे हैं तो साडी किसे गलती करके हो रहे हैं, ग्रीस ग्रूस कोई ऐसी है, ऐसी कोई ग्रीस नहीं है जिहड़ी एक बारी पाती ते मुड़ के बणनी नहीं है। वह सारी जी उत्थों शब्दावली आउंदी है मशीन तो जी, ये मशीन नाल कंपेयर करदे आ असीं शरीर नूं, मनुखी शरीर नूं मनी मशीन नाल कंपेयर करदे आ। मॉडर्न मैडिकल सिस्टम दी सब तो वड्डी फेलर इह है कि जिहड़ा मनुखी शरीर नूं जदों मॉडर्न मैडिकल सिस्टम डील करदा है तां मशीन समझ के करदा है, इहदा पुर्जा ठीक कर दो, इहदा पुर्जा बदल दो, ये नहीं कहता कि वो तेरे गोडे ने पाई इन्हू मैं इदा करा अपन तो तेरे गोडे फिर चलन लग जाएंगे, गोडे बदल दो बदल दो, क्योंकि उन्होंने मशीन समझ लिया ना, वो मशीन नहीं है, जिहड़ा मनुखी शरीर है ये मशीन नहीं है, ये कुदरत का बहुत बड़ा अजूबा जिहदे अंदर अपनी इनबिल्ट पावर है अपने आप नूं रीजनरेट करन दी। जे असीं इसदा साथ दईए, कुदरत तां पहले ठीक करन लई तुहानूं पूरी ट्रेल ला रही हुंदी है, वो असीं साथ नहीं दे रहे हुंदे, असीं कितें होर फिरदे रहिंदे आ, असीं उस कुदरत दे नेड़े नहीं हुंदे, जदों असीं साथ दिंदे आ तां नाल दी नाल कुदरत उहदा रिस्पोंस करदी है। तो असीं देखिया हुण जदों असीं डाइट दिंदे आ तां बंदे दा मतलब ओह हो जांदा बिल्कुल, शरीर बदल जांदा। आउणे मैं तुहानूं इत्थे तुहानूं बाद च मैं बुलाउणा, साडे कोल बैठा है वो मेरा अजीज भी है, उन्हें 13 दिन के उहदियां सारियां दवाइयां छुट गईयां, तो सिर्फ 13 दिन च डाइट बदलने तों बाद, कल भी रिकॉर्डिंग करवाई है वो मैं पाई भी है, वो जिहड़ा है इन्नी जल्दी कुदरत जिहड़ी है साडा साथ दिंदी है, क्योंकि कुदरत पहले तुहानूं ठीक करन दी कोशिश कर रही हुंदी है, जदों साथ देना शुरू करदे आ तो फिर नाल दी नाल जिहड़ी है कुदरत दा, कहिंदे बंदे दे बॉडी दे अंदर ही इक डॉक्टर बैठा है, हाँ सब तो वड्डा डॉक्टर है, जिहड़ी डॉक्टरी डूटरी का ज्ञान गुण है 1% भी नहीं है वो मुकाबले च, जो 100 है तो बंद जिन टोटल डॉक्टरी का विज्ञान ला ली तो 1% है, सो 99% असं जब मौका दईए थोड़ा थोड़ा जहा साथ दईए तो वो नाल दी नाल ठीक कर दिंदा है। तो उस बेस से जो असं कह रहे हैं कि जिन्हिया बीमारियां जिन्होंने ला इलाज घोषित करता होया मुख्यधारा मेडिकल प्रोफेशन ने, असल च वो सारा ही गलत है, वो असल सारिया दारिया बीमारियां कितने ना कि फिर मुड़ के खत्म हो सकदियां ने और फिर मुड़ के बंदा तंदुरुस्त हो सकता है। अच्छा वो साडे सामने देखदे देखदे दिनां च ही हो जांदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें कई लोग जिहड़े ने ऑपरेशन करा लैंदे ने गोड्यां दा, अक्सर आपां बजुर्ग लोग देखे ने जिहड़े बजुर्ग हुंदे ने एज ज़्यादा हो जाती है, खास करके महिलावां जिहड़ी लेडीज़ हुंदियां ने उन्हां दे विच प्रॉब्लम बहुत आउंदियां ने, कई बार शरीर भारे हो जांदे ने, गोडे भार नहीं चलदे तां ज़्यादातर बैठे रहिंदे ने, कम नहीं करदे क्योंकि घर दे विच बहू आ जांदियां ने तां सारा काम सांभ लैंदियां ने, कितने कितने वह भी कारण कहिंदे बन जांदा वी जिहड़ी वर्जिश है शरीर दी उह घटा दिंदे ने, गोडे चेंज करा लैंदे ने, वी किन्नी क सक्सैस रेट इहदा किन्ना क हुंदा वी जे आपां ऑपरेशन कराउंदे आ उस तों बाद जिहड़े गोडे किन्ना क थोड़ा परसेंट वी कामयाब देणगे वी इन्ना चिर होर थोड़ा गोडे जिहड़े ने उह चंगे चल जाणगे। चलो कामयाबी तो जी डिपेंड करेगी कि बंदा अगर वे लत्तां च दम किन्ना क है, जो मसल ते हड्डियां स्ट्रोंग होणगे तो अगर साथ देणगे, जे मसल हड्डियां कमजोर कर ले होए तो वो भी साथ नहीं दिंदे, वो भी जल्दी फिर फेल हो जाता है काम सारा। जिन्ने भी नकली अंग पाउंदे हैं चाहे वो तुहाडे स्टंट ला लो, चाहे तुसीं गोडे ला लो, जो भी मर्जी ला लो, जे तुहाडा सिस्टम च अपने शरीर च जान नहीं है, क्योंकि जे तो तुसीं प्रिकॉशन लैण लग गए एक बार सर्जरी करा ली तो नाल तुसीं लत्तां भी स्ट्रोंग कर रहे हो, वर्जिश भी दस दी ना नाल, तो जे तुसीं वर्जिश करन लग गए तो पट्ठे मजबूत कर ले तो साथ देंगे, जो नहीं करोगे तो भार भूर उदा ही रहेगा फिर बहुत साथ नहीं देंगे। तो जे वर्जिश करके ठीक फिर भी ठीक होना तो फिर पहला वर्जिश करके ट्राई करो पहला अपना, तो जे लास्ट रिजॉर्ट 10% मान लो गोडे बदलना चाहते, ये नहीं कहता मैं गोडिया का बदलने वाला टेक्नीक को माड़ा है, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने लोगों से करना चाहिए जिहड़े बाकी सारे जो फेलियर हो चुके बिल्कुल गए गुजरे हो जिहड़े कि कोई कोई रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी ना हो। मैं समझता कि 90% लोड़ नहीं पेगी, 10% लोड़ पेगी, हाँ ये तो इन्ने ज़्यादा खराब हो चुके थे भी ये कुछ बदलने तो सुभाग को चारा नहीं, वो कोई गल नहीं, वो टेक्नीक या साइंस कोई माड़ी नहीं है, लेकिन साइंस में लालच नाल जो वरत्या जाता है तो जने खड़े में जो जाता बंदा तो उन्होंने गोडे पाने की सलाह दें, तो पहला जी होनी चाहिए भी भाई भार तेरा ठीक होना चाहिए, भार घटे पट्ठे तेरे पट्ठे मजबूत करो लत्तां दे और गड्डियां मजबूत करो अपनियां, फिर भी जो गोडे ने साथ ना दिता तो फिर देखांगे। जो शुरुआती दौर जिक्र किया इंटरव्यू के कि जे जिहड़ी बोन डेंसिटी हुंदी है वी जिहड़ी हड्डियां दी मजबूती अक्सर देखिया वी जिहड़ियां लेडीज़ दे विच कितना कितने बोन डेंसिटी घट हुंदी है, जिहड़े मर्दां दे विच जिहड़ी बोन डेंसिटी उह वध हुंदी है, वी ऐसी किहड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब जिहड़ी बोन डेंसिटी घटाउंदी है, यानी कि जिहड़ी जिहड़ी थोड़ी हड्डी मजबूती है उह घटा दिंदी है, कुछ खाण पीण या किहड़ी चीज़ ऐसी चीज़ है?
हाँ वो मेन तो खाण पीन की गल डाइट है नंबर वन, नंबर दो तो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज है तो जी दो चीज़ा ने एक दूजे सपोर्ट कर दें। जो तुम डाइट वधिया कर लो तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो जां फिजिकल काम करना शुरू कर दो तो तुहाडी डेंसिटी डूंसिटी फिर मुड़ के वापस आ जाती है। वो डेंसिटी डूंसिटी के मिलने के तरीके ने सारे वो कि ना कि कमर्शलाइजेशन बहुत है उस उस धंधेबाजी बहुत है वो डरा डरू के फिर खास किस्म के प्रोडक्ट बेचने होंगे उन्होंने जिमें आप देखते हैं कि बाकी टीवी दड्डा होर आडा जी सारा कुछ सिस्टम चल रहा कि तुम्हें चीज़ बेचने लिए पंजाह किस्म के खेखण किए जाते हैं तो वो बहुत खेखण ने बहुते सच घट है। जे आप जे आप कोऑपरेट करिए नेचर न अच्छी डाइट खा के अच्छा फिजिकल काम करके तो मैं नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो ने उन्होंने कोई बहुते महंगे दवाइया या सर्जरिया की लड़ पेगी तो 90% केस जो ने बड़ा ही ठीक हो जाए। कई डॉक्टर साहब जो ऐसे ने कई डॉक्टर जो होंगे ने तुम भी इस लाइन के कई वो जी कोई नैचुरल मेड तेल होंगे आ जिदे काफ़ी चीज़ा जी नैचुरल मिला के दसते होंगे भी ये तेल की मालिश करो इस भी जी पेन घटूगी वो कि चीज़ा का कि ऐसी नैचुरल चीज़ा ने भी जिन्हों का आप तेल बना सकते हैं कुछ इदी चीज़ बना के वो मालिश कर सकते हैं। वो जो पेन किलर ऑयल ने मैं वो कभी बहुत विस्तार नहीं गया भी कि चीज़ा जड़िया बूटिया कि पैदा ने लेकिन वो मोस्टली असी तो रेडीमेड यूज़ करते हैं कभी आप बनाया नहीं है तो वो मार्केट तेल है योजे वो तेल वरतना अच्छी गल क्यों अच्छी गल कहने असं भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि असं कहने गोलियां ना खाओ पेन किलर पेन किलर गोलियां जो तुम खाने हो तो वो गुर्दे खराब होंगे हैं गुर्दे खराब करने नालों तुसीं अपना दर्द वाला तेल मलो फिर थोड़ा सेका दिओ उहदे नाल की होगा कि तुहाडी दर्द जिहड़ी है वह घट घटेगी तो उस तों बाद वर्जिश करो असीं तिन्ना चीज़ां जो तिन्ने चीज़ां एक तो बाद कहने नंबर वन तेल मलो नंबर दो ते सेका दिओ नंबर तीन ते उस पार्ट की उस जोड़ की वर्जिश करो जो तीनों करते हैं असीं तो उहदी दर्द भी घट जाती है तो वह हौली 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 अंदर हीलिंग भी होने लग जाती है वह अंदर अंदरों क्योर भी होने लग जाता है। इस करके वो तरीका वधिया दर्दां दे तेल वाला तेल कोई तरीका माड़ा नहीं है उहदे च जिहड़े कोई जड़ियां बूटियां ने उहदी जिहड़ी गुण ने क्योंकि कोई भी जदों असीं मालिश करदे आ तां उह पूरे दा पूरा अंदर चला जांदा 70% जिहड़ी चीज़ है उह खून च चली जांदी है थल्ले वो जाके कुछ ना कुछ उहदी हील भी करदी है। तो जिहड़े मेडिकेटेड ऑयल्स ने इह अच्छा आयुर्वेद दा बेसिकली साडे आयुर्वेद दे ने मेडिकेटेड ऑयल जिहड़े ने आयुर्वेद दे ने बहुते तो वो आयुर्वेदिक तेल जिहड़े ने वो अच्छे ने उन्होंने यूज़ करना चाहिए और नाल जोड़ के सेका दे के एक्सरसाइज करके गोलियां जिहड़ियां पेन किलर ने मस्तर लक्षण गोलियां ने ये घट तो घट खानी चाहिए क्योंकि ये अंदर जिहड़े ने बहुत ही खतरनाक दवाइया ने तो ये जिहड़े ने तुहाडे फायदा घट कर दिया ज्यादातर डॉक्टर तो दसदे ही पेन किलर ने कि तुसीं पेन किलर ले लो तुसीं ऑर्थोपेडिक्स वाले कोल जाओगे तो वो ज़्यादा नंबर वन पेन किलर है नंबर दो मस्तर लक्षेंट है नंबर तीन तो कैल्शियम पा देंगे जो कैल्शियम पाना भी गलत है तो कैल्शियम भी जो गोली वाला कैल्शियम है गोली वाले कैल्शियम नूं कोई अकल नहीं हुंदी मैं कित्थे जाके जमना दो तरह का कैल्शियम असीं बहुत लैंदे आ जिहदी जिहनूं कोई अकल नहीं है दुध वाला कैल्शियम ते इहदा वाला दवाइयां वाला गोलियां गोलियां वाला कैल्शियम इहनूं इह अकल नहीं है भी मैं जाके जमना कित्थे है वो हड्डी 'च भी जम सकदा है कि तुहाडी खून दीआं नाड़ां 'च भी जम सकदा है तुहाडे गुर्दिआं 'च पत्थरी बना सकदा है तुहाडे पित्ते 'च भी पत्थरी बना सकदा है लेकिन जिहड़ा प्लांट्स दा कैल्शियम हुंदा है पौद्यां दा कैल्शियम हुंदा है मैं तिलां 'च कैल्शियम बहुत अच्छा है तुहाडे अलसी 'च कैल्शियम बहुत अच्छा है तुहाडे जिहड़े मिलट्स ने इहनां दे कैल्शियम बहुत बहुत अच्छा है थोड़े चिया सीड्स ने थोड़े मखाने ने थोड़े रागी की रोटी है सो ये जी चीज़ा ने जो कैल्शियम बहुत वैसे तो हर चीज़ कैल्शियम है जिन्ना भी फूड असं खाने बहुत कैल्शियम होंगे उस तो एक जरा एक तो हाई कैल्शियम डाइट की बहुत लोड़ नहीं होंगी तो जो कैल्शियम लैना भी हो पौद्या वाला कैल्शियम लाओ तो पौद्या वाले कैल्शियम से गुण बहुत है कि जो शरीर में लड़ होएगी उस कैल्शियम की तो वो लेगा अपनाएगा नहीं लड़ है तो उन्होंने रिजेक्ट कर देगा उन्होंने लेगा ही नहीं वो लेगा ही नहीं इस करके पौधे पत्थरियां बनना तो गलत थाना जमण की जी संभावना वो खत्म हो जाएगी इस करके दो तरह का कैल्शियम नहीं लेना चाहिए ना तो कैल्शियम की गोली खानी चाहिए है तो ना दुध जरा एक्सैस पी के कुछ ये सुटना चाहिए मेरी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी दुध दुबारे तो उल्ट सगो आ गया हो दुध जो माड़ा मोटा कैल्शियम हड्डियाँ चाहता वो भी खिंच लेंदा क्योंकि एसिडिक आओ बेसिकली तेजाबी फूड है जबकि अंदर तेजाबी जो असर है तेजाबी हों जो जी चीज़ भी एसिडिक बॉडी जाएगी चाहे तुम पानी एसिडिक पी रहे हो आरओ का वह भी एसिडिक है तो जो दुध पी रहे हो भी एसिडिक है एसिडिक फूड खाओगे मान लो नॉन वेज खा रहे हो ज्यादा फ्राइड खा रहे हो जिन्हें एसिडिक फूड्स ने सारे सारे जाके हड्डिया खोखला करते हैं क्योंकि एसिडिक फूड जो हड्डिया कैल्शियम खिंच लेंदा तो ये कितना फूड ये तो एडा भी दिखा देते हैं कहते दूध पियो कहते तगड़े हो जाओ बिल्कुल दूध का उल्ट प्रूव हो गया दुध का तो डेयरी का इन्ना हूँ तो इन स्टडीज हो गई डेयरी के उपर कि डेयरी बाई एंड लार्ज इज़ वेरी हार्मफुल
दुध जिहड़ा है इस पंजाबियों ने असीं पता नहीं कित्थों जुड़ गया ते किवें साडी जान छड्डूगा है। तो दुध छड्डन सार अद्धियां बीमारियां ठीक हो जांदियां ने। छड्डो सही, पेट ठीक हो जांदा है, माइग्रेन दा अटैक ठीक हो जांदा है, बच्चियां दा जुकाम लगना बंद हो जांदा है, मतलब अद्धियां बीमारियां दुध छड्डन सारी ठीक हो जांदियां। दुध ते दुध वाली चाह छड्ड दिओ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਪੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਆਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਫੜਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੇਟ ਯਾਦ ਆਵੇ ਵੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਟ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਟਿਆ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਪੱਕੀ ਆੜੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਆੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਛੱਡਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਜੀ ਬਣਨੀ, ਪੇਟ ਜਿਹਾ ਅਫਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ, ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।